Welcome back to another vlog. This is your Alif Nazil and welcome to my YouTube channel Alif Nazil Vlogs. आज की जो कहानी है उसको सुनाने के लिए मुझे आपको 1820 के ब्लैक एंड व्हाइट वाले जमाने में लेके जाना पड़ेगा. एक मिनट, सॉरी, ये 1820 नहीं, 2018 की ये कहानी. एक्चुअली मैं मार्च से घर पे हूँ तो बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया. ऐसा लग रहा है 100 साल हो गए मुझे घर पे बैठे बैठे. 2018 के दिसंबर की ये कहानी है जब मैंने एक फेस्ट अटेंड किया था, दिल्ली बाइकर फेस्ट. नाउ व्हाट इज दिल्ली बाइकर फेस्ट? दिल्ली बाइकर फेस्ट एक कम्युनिटी कह लो या एक बाइकर्स का ग्रुप कह लो. मैं काफ़ी सारे राइडर ग्रुप्स के साथ राइड करता हूँ, बाइकर्स के साथ राइड करता हूँ. उसमें से एक ये दिल्ली बाइकर फेस्ट है जिनके साथ मैं राइड करता रहता हूँ. इनके साथ मैंने एक राइड भी किया था पहले, अगर आपने शायद नहीं देखा हो तो एक बार ग्लिम्स देख लो. तो आज की जो कहानी वो है दिल्ली बाइकर फेस्ट के बारे में. इनका एक फेस्ट हुआ था, हर साल को एक फेस्ट होता है जहाँ पे काफ़ी सारे राइडर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं बाइक के, ऑल ओवर इंडिया से सारे बाइकर्स आते हैं. तो ये फेस्ट हुआ था दिसंबर 2018 में. तो बहुत मज़े का फेस्ट था, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे राइडर्स से मिले, एक अलग एक्सपीरियंस था. तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं फेस्ट में. देखिए इसके मुंह पे क्या लग रहा है, केबरा है, केबरा है, यो कैसा केबरा है भाई? अरे अपने को क्या, तू चल. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, फिर फेस्ट स्टार्ट हो गया है. जो ओपनिंग होनी थी, ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, वो चीज़ हो गई है. और फाइनली दिस इज़ माई टिकट, आई गॉट द बैंड इन माई हैंड, सो नाउ लेट्स एंटर. कोई बात नहीं, लेट हो गए हैं बट अभी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. तो जैसा कि इन भाई साहब ने बोला कि लेट हो गए थे, असल में भाई साहब हर जगह लेट होते हैं, वीडियो डालने में, कहीं जाने में, राइड पर जाने में, इनकी आदत है लेट ही होना. लेकिन लेट होने की वजह से मेरी ओपनिंग सेरेमनी छूट गई थी, आधा घंटा में लेट हो गया था. लेकिन कोई नहीं, उसके बाद बहुत मज़ा आया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारे राइडर्स से मिले. फेस्ट में क्या क्या था वो बताने से पहले एक बार फेस्ट की ज़रा झलक तो देख लो. कभी भी बाइक टूट सकती है लेकिन उसके लिए तैयार रखिए. बट देयर आर मेनी थिंग्स यू कांट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ग्रेस होने की जरूरत है. हुकुम तेरा वर्सेस डीओसी. इसी तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही थी, बहुत सारे स्टॉल्स वहाँ पे लगे थे. मैंने सारे स्टॉल्स कवर नहीं किए, सब बाइकिंग बाइकर से रिलेटेड स्टॉल्स थे, जैसे कि फेस्ट में स्टॉल्स लगे होते हैं. दो चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी और मैंने सोचा कि वो ज़रूर दिखाई जाए. एक स्कूटर जो कि पेट्रोल से नहीं बल्कि डीजल से चलता है, एक दूसरा एक बाइक, रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड बाइक. जिस हिसाब से उस बंदे ने बाइक को मॉडिफाई कर रखा था, वो कहीं से थंडरबर्ड नहीं लग रही थी. Wow.
not Harley, this is Thunderbird. So now I'm gonna talk about a very special person I met in the fest. His name is Martin and he's from Germany. Couple of years ago, he adopted a cat and he named his cat Mowgli. And why I'm talking about him, just because he quit his job just to explore the world, just to travel the world. He rides a bike and he is riding from 2017 all the way from Germany to Belgium, Turkey, Dubai, Azerbaijan, Pakistan, India, and there are many more countries he traveled. There are many people around the world who go for a world ride or a world tour. But the unique thing that makes Martin different from others is that he is traveling with his cat. You know, riding is not an easy thing. When you ride, you have to face a lot of problems on the road. But to ride with a cat, with a pet, it's completely difficult if you ask me. Being a rider, it's very difficult for me. I'm very inspired by him and I had spent a very small time with him, but that was great. So just have a look on this video and I would request all of you, follow him on Instagram. He's an amazing person. That's all for today. I hope you liked the video. Subscribe to the channel, follow me on Instagram and keep doing the good work. Just rock the world. Stay home, stay safe. See you on the next vlog. Bye bye.